आखिर पीएम पर दिग्विजय सिंह के ट्वीट से क्यों मचा बवाल? दिग्गी राजा ने ऐसा क्या पोस्ट कर दिया जिससे वे लोगों के निशाने पर आ गए? कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह अपने हाजिर जवाब के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कई बार वे कुछ ऐसा कह जाते हैं जिससे न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनकी पार्टी के लिए असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है। एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे देश का सियासी पारा चढ़ गया है। दरअसल कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह अक्सर अपने ट्वीट के जरिए पीएम मोदी पर हमला बोलते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपने एक ट्वीट के साथ एक फोटो भी पोस्ट किया है जिसमें पीएम के काम करने की शैली और उनके प्रशंसकों को लेकर कमेंट्स किए गए हैं। इस पोस्ट में मोदी के फॉलोअर्स को कथित तौर पर भक्त बताया गया है। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह ने इस फोटो के साथ लिखा है, ये उनका अपना नहीं है लेकिन इसे शेयर करने से वे खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। इनके बारे में ये पोस्ट है, उनसे माफी मांगता हूँ, ये बेवकूफ बनाने में माहिर है। इस फोटो पर जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है हम उसे पढ़ तो नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि उस पर पीएम को लेकर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है। दिग्गी राजा का ये ट्वीट देखते ही देखते वायरल हो गया। उधर वायरल होते ही ट्विटर पर दिग्विजय सिंह को ट्रोल किया जाने लगा है। हालांकि बाद में दिग्विजय सिंह ने अपने पोस्ट को हटा लिया, लेकिन बीजेपी ने इसके लिए उन्हें जमकर लताड़ा है। पार्टी नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने कहा कि उन्होंने देश की जनता का अपमान किया है, इसके लिए दिग्विजय के साथ साथ कांग्रेस को भी माफी मांगनी चाहिए। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस के इस नेता ने इस तरह का विवादित पोस्ट किया हो, इससे पहले भी वो इस तरह के कारनामे कर चुके हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।